गुड मॉर्निंग, किसी दे रहा है गुड मॉर्निंग मफिन, गुड मॉर्निंग मफिन, मेरा प्यारा बच्चा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं मम्मी की चिल कर रहा है। ओ चिल कर रहे हो, धूप ले रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी जैसे मम्मी ने बोला हम लोग ब्रेकफास्ट खाएंगे और डैड ने पता ही ऑर्डर किए थे ऑलिव सब, आई थिंक सब ऑलिव जो भी है, ये इंग्लिश ओवन के आ रहे हैं। आजकल मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के देखे हैं, ये लोग सब निकालने लगे हैं ऐसे, तो ब्रेकफास्ट के लिए काफी सही होता है। लंच में अगर आपको पैक करके देना हो बच्चों को, है ना, कितना सही आइडिया है। हाँ, उस टाइम जब मैं स्कूल जाती थी उस टाइम पे वाले हमें दिखे नहीं कभी, तो वरना वो सिर्फ सैंडविचेस ही दिखते थे, वरना सब्जी बना के दे सकते हो। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए बहुत प्यार से सारी वेजिटेबल्स चॉप अप कर ली है। तो डैड ने बेगल्स भी मंगाया, हम बेगल्स खाना भी बड़ा पसंद है, तो ये वाला अनियन गार्लिक बेगल है, तो डैड ने अनियन गार्लिक बेगल्स भी ऑर्डर किए हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट तो कशिश रेडी कर रही है, बहुत जल्दी से क्विक बन जाएगा ये ब्रेकफास्ट। पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें एक साइड मेयो लगा लीजिए, एक साइड आप लगा लीजिए कुछ भी लगा, पिज्जा पास्ता सॉस या फिर आप घर की बनी चटनी लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, जितना स्पाइसी आपको पसंद है, जैसे फ्लेवर्स आपको चाहिए, इंडियन स्टाइल चाहिए, कैसे इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस वेजिटेबल्स के साथ आपको लगाना है। चीज स्लाइस हो तो और भी बेटर है, या फिर पनीर हो आपके पास। पनीर तो है, आप चाहो तो इन्हें बेक कर दो या फिर आप तवे पर भी रखकर सेक सकते हो, लेकिन बेक करोगे तो उसका फ्लेवर डिफरेंट आता है। यहाँ पर मफिन वेट कर रहा है कि ये जब बनेगा तो क्या मुझे मिलेगा, क्या मैं इसे खा पाऊंगा। मफिन आप बनाना खाओगे? अभी ना। अच्छा, और मैं आज पालक से एक रेसिपी बनाऊंगी लंच के लिए, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। पहले तो ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है अभी तो हम लोगों ने। फिर प्रशांत को भी जाना है अपने काम से, तो कशिश जरा थोड़ा जल्दी बना दे बेटा। हाँ ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ओवन में बेक कर लिए थे, तो यहाँ पर हमारे सबवे सैंडविच बनकर तैयार है वेजिटेबल वाले। आज कितने दिन बाद मैं डेली रूटीन वाला व्लॉग बना रही हूँ, बहुत टाइम हो गया कि आप लोगों के साथ मैंने अपने डेली रूटीन वाले व्लॉग नहीं शेयर करे, और आप लोगों को तो बहुत पसंद आते हैं। दिवाली का जो टाइम होता है ना, वो इतना बिजी टाइम होता है और वहाँ पर इतना कुछ करने के लिए होता है, इतना कुछ शेयर करने के लिए होता है कि घर के जो डेली रूटीन वाले व्लॉग्स हैं वो कहीं खो जाते हैं। लेकिन डेली रूटीन वाले व्लॉग्स में क्या होता है ना, पूरी फैमिली लाइफ कहते हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि दिन में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या हमारे घर में इस टाइम चल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अक्टूबर मंथ में मैं शेयर नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, बैक टू रूटीन। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि अब मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत ही सिंपल से डेली रूटीन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये तो दिवाली के ब्लॉग जो थे वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। दिवाली के टाइम पर आप लोगों के साथ बहुत डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स भी मैंने शेयर करे, ज़्यादातर शॉपिंग, होम डेकोर और डेकोरेशन इन सब से रिलेटेड थे, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद करे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ देखने को बाकी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप लोग ब्लॉग चेक करते रहिए, आपको आने वाले टाइम में एक से बढ़कर एक ब्लॉग मिलने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो ब्लॉग ज़रूर चेक करा करिए, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, और अगर आपने अपनी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे ब्लॉग्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। फिलहाल मैं अपने हेयर केयर करने वाली हूँ, और हेयर केयर की जब बात आती है तो ऑयल जो है सबसे मेन चीज़ होता है, क्योंकि अगर आप बालों को अच्छे से नरिश नहीं करोगे तो आपके बाल हेल्दी नहीं लगेंगे, शाइन नहीं करेंगे। जैसा कि आजकल मेरे बाल काफ़ी डैमेज हो गए हैं, एक तो इतना मार्केट गई हूँ मैं पिछले महीने, और मतलब डेली बाहर निकलना, तो जल्दी जल्दी वॉश भी होते थे इस वजह से,
और अभी जो विंटर टाइम आ गया है ना, तो उसकी वजह से स्कैल्प ना हल्की सी ड्राई फील होती है, ऐसा लगता है जैसे कि स्कैल्प ड्राई हो गई है, बालों में जो है जान नहीं बची है। तो सबसे बेस्ट जो हेयर ऑयल होता है ऐसे टाइम के लिए, विंटर सीजन के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल वही लगाना पसंद करते होंगे, वो है एलमंड ऑयल। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मम्मा अर्थ का एलमंड हेयर ऑयल, जो आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, आपके स्कैल्प में नरिशमेंट देगा और उसके साथ साथ आपके बालों में शाइन भी बना के रखेगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है इसमें है कोल्ड प्रेस एलमंड ऑयल, साथ में इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई आपके स्कैल्प को डीपली नरिश करने में हेल्प करेगा और कोल्ड प्रेस्ड एलमंड ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है, शाइन के लिए अच्छा है और स्मूथ बनाएगा आपके बालों को, और एक आपके बालों का जो टेक्सचर है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं बालों के लिए। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये इस टाइप से ब्रश दिया हुआ है, ब्रश कहिए या फिर आप कह सकते हो ये जो कैप है इसमें ना ऑलरेडी टीथ है, तो जिनमें से ऑयल आराम से निकल जाता है, कोई लगाने वाला नहीं है घर में, तो आप खुद भी बहुत आराम से, कहते हैं ना वो स्कैल्प के अंदर जड़ों में अच्छे से लगाइए ऑयल, तो वो इसे लगाने में काफ़ी हेल्प करता है, जिस तरीके से मैं लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जड़ों में भी ऑयल लगा सकते हैं। और मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं और एलमंड ऑयल प्रिवेंट करता है आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम को भी, तो ये इस मामले में भी काफ़ी अच्छा है। और एलमंड से मुझे याद आया, बचपन में मेरी मम्मी पता है विंटर में हमारे बालों में एलमंड ऑयल ही लगाया करती थी और डेली हमें ना विंटर में देती थी वो एलमंड खाने को। आपकी मम्मी भी देती होंगी बचपन में आई एम श्योर, या फिर आप लोग अपने बच्चों को देते होंगे कि ये लो थोड़े से एलमंड ले जाओ, रास्ते में खाते हुए जाना, पॉकेट में डाल दिए। जैसे मैं कशिश को देती थी, कशिश जब स्कूल जाती थी तो मैं उसकी स्कर्ट की जो पॉकेट थी उसमें 5-6 एलमंड डाल के रखती थी। मैंने कहा बेटा तुम इसको रास्ते में खा लेना जब बस में बैठी हुई हो। वैसे भी ड्राई फ्रूट्स का राजा माना गया है एलमंड, इसमें 20 डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो एलमंड हेयर केयर रेंज है ना, ये न्यूली लॉन्च हुई है मम्मा अर्थ में, जिसमें आपको मिलता है एलमंड हेयर ऑयल, एलमंड शैम्पू भी और साथ में कंडीशनर भी। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मम्मा अर्थ की जो गुडनेस है वो केवल उनके प्रोडक्ट में ही नहीं, बल्कि वो इस वैल्यू को भी स्टैंड करते हैं। जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप इनके वेबसाइट से परचेस करते हो तो वो आपके ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पर किसी ट्री के साथ लिंक कर देते हैं। तो इस तरीके से मम्मा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का एम किया है और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो ये आपको मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका और खुद मम्मा अर्थ की वेबसाइट पर, और मम्मा अर्थ की ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो सेल के टाइम पर आपको अर्ली एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा, साथ में सेल्स और ऑफर्स जो भी डिस्काउंट्स चल रहे होंगे उस टाइम पे वो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने नीचे छोड़ा है। और मेरा कूपन कोड भी आप लगा सकते हो जो कि है IMS2021, जिससे लगाने से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो ऐप पर लगाएं चाहे आप वेबसाइट पर लगाएं, दोनों पर ही चल जाएगा। आज आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये है शाम सवेरा कोफ्ता करी रेसिपी। और ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं पालक। पालक को मैंने थोड़ा सा बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था, तो उसके लिए गर्म पानी करा पहले मैंने और उसमें पालक डाल दिया। थोड़ी सी यहाँ पर मैं शक्कर डाल रही हूँ, यानी कि शुगर। ये मेरे पास गुड़ की शक्कर थी तो मैंने ये डाली है, आपके पास जो भी हो आप वो डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, पालक कड़वा नहीं फील होगा। अगर थोड़ा बहुत चांसेस भी है कि पालक कड़वा हो सकता है तो वो भी आपको महसूस नहीं होगा खाते वक्त। यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू लेकर उन्हें पाउडर बना लिया था और मैंने मिक्सी को बार बार चलाकर बंद करके ही बनाया है, वरना ये पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स वाला पानी ले लिया है, ठंडा ठंडा पानी, और जो पालक हम लोगों ने बॉयल करे हैं उसको मैंने इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, जो भी इमीडिएट कुकिंग प्रोसेस होगी वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और साथ के साथ आपके पालक का कलर भी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं।
तो ये एक कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो कोफ्ता करी बनाते समय, जब भी आप पालक की बना रहे हो या पालक पनीर बना रहे हो तो ये काफ़ी हेल्प करेंगी। जैसे शुगर हुआ या ये पानी वाली टिप काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से निचोड़ निचोड़ कर मुझे सारा पानी निकाल लेना है पालक में से, क्योंकि पालक में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से पालक के कोफ्ते बहुत ही आराम से बन जाएंगे। पानी थोड़ा सा बच गया था, इसे मैंने ग्रेवी में यूज़ करना था तो मैंने इसे अलग से रख दिया। यहाँ पर जो पालक था उसे मैंने बस एक बार मिक्सी में चलाया जिससे वो इस तरीके से ग्राइंड हो गया। पालक में जितना कम पानी होगा उतने ही कम आपको बाइंडिंग के सामान डालने होंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाली है मैदा और एक ब्रेड को मैंने मिक्सी जार में चला लिया था, तो उसके क्रम्स भी मैंने इसके साथ मिला दिए हैं। तो बहुत ही कम हम लोगों ने बाइंडिंग की चीज़ें डाली हैं और उसमें हमारा अच्छे से बन जाएंगे कोफ्ते। यहाँ पर मैंने डाला है इसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपको भी पसंद आते हो वो इसके साथ डाल लीजिए। थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर भी डाला था और इस तरीके से आटे जैसी लोई बनाकर साइड कर दिया। यहाँ पर मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ पनीर की। पनीर मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया जो कि 200 ग्राम के करीब होगा। यहाँ पर एक मुट्ठी के करीब काजू का जो पाउडर बनाया था वो मिक्स कर दिया है और मैंने किशमिश को छोटा छोटा बारीक बारीक काट दिया था वो डाल दिया है। सॉल्ट डाला है इसमें और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो छोटी छोटी सी हम लोग बॉल बनाकर तैयार कर रहे हैं और ये सारी की सारी बॉल बना के मैं एक साइड कर लूँगी और इसके बाद हम कोफ्ते रेडी करेंगे। कोफ्ते रेडी करने के लिए मैंने हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया जिससे कि चिपके नहीं, और यहाँ पर जो पालक का हमने लोई बनाकर तैयार करी थी वो ले लिए नहीं है हथेली पर और उसे फैला लेना है। बीच में ये जो पनीर की स्टफिंग है वो लगा देनी है और इसको पूरा अच्छे से कवर कर देना है, चारों तरफ से एक सार कवर कर दीजिए। मान लीजिए नींबू के आकार से थोड़ा सा बस बड़ा कोफ्ता मैंने यहाँ बनाया है। ज़्यादा बड़े कोफ्ते मैंने नहीं तैयार किए हैं, एक तो वो ग्रेवी भी ज़्यादा पीते हैं और देखने में भी कुछ खास नहीं लगते हैं। तो छोटे छोटे कोफ्ते देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो इसी आकार के आप भी बनाकर तैयार कर लीजिए। दूसरी तरफ मैंने गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रखकर उसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब आपको मीडियम फ्लेम कर लेना है और ये जो कोफ्ते हमने बनाकर तैयार करें इन्हें हमें डस्ट कर देना है मैदा में। इस तरीके से अगर आप डस्ट करते हो तो आपके कोफ्ते जो हैं बहुत अच्छे से बनकर तैयार होते हैं, जलते भी नहीं हैं और उनका कलर भी बना रहता है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम आँच कर ली है और एक एक करके सारे कोफ्ते मैं डाल रही हूँ। अलट पलट करके चारों तरफ से इन्हें अच्छे से सेक लेना है, लेकिन ऐसा भी नहीं सेकना कि आपका जो पालक है जो ऊपर हमने जो इसकी कोटिंग दी है वो जल जाए, ऐसा नहीं हो करना है। बस हल्का आपको सेक कर इन्हें बाहर निकाल लेना है। तो कुछ ही मिनटों में आपके कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। जो बचे हुए हैं वो भी आप फिर से फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं और इन्हें मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट में आप टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑयल अवॉइड करना हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और थोड़ा बटर लिया है क्योंकि हम तैयार करने वाले हैं ग्रेवी। ग्रेवी इसकी रेड ग्रेवी होने वाली है। सबसे पहले मैंने इसमें काजू डाले हैं एक मुट्ठी के करीब और उन्हें अच्छा सा भून लिया है। उसके बाद मैंने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन की 7-8 कलियाँ, इन सबको अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसके बाद मैंने इसमें अनियन डाल दिया है। सब चीज़ें मैं मोटी मोटी ही डाल रही हूँ क्योंकि बाद में हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाली है 2 इलायची सफ़ेद और काली मिर्च, लौंग, और इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर यहाँ पर 1 से 1.5 के करीब होंगे। प्याज भी मैंने एक बड़ी डाली थी और जब अच्छे से भुन गया उसके बाद मैंने इसमें 1/2 गिलास के करीब पानी डाल दिया और पानी डालकर इसको ढककर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम अपने जो कोफ्ते हैं उनको कट कर लेते हैं और ये कोफ्ते बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि इनका जो आउटर लेयर होती है वो होती है पालक की वजह से ग्रीन और अंदर जो होती है स्टफिंग वो होती है पनीर की वजह से वाइट, और इसको हम डालते हैं रेड ग्रेवी में तो बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हमें जो मसाला तैयार करना था उसके लिए जो हमने टमाटर और प्याज को भूना था उसको ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में मैंने चला लिया और उसके बाद आपको छलनी से इस तरीके से छान लेना है। छलनी से छानने से क्या होगा, एक मक्खनी जो ग्रेवी होती है वो बनकर तैयार होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ख़ास तौर से कोफ्ते में। तो हम जो कोफ्ते बना रहे हैं उसके लिए बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस अब लास्ट एक छोटा सा तड़का देना है हमें। उसके लिए मैंने बटर लिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था जिससे कि बटर जले नहीं। उसमें मैंने जीरा डाला, 2 खड़ी लाल मिर्च डाल दी और साथ में मैंने तेज पात का पत्ता डाल दिया और उसके बाद मैंने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर डाला है।
और इन मसालों को मैंने जलने नहीं दिया है। हल्का सा चलाने के बाद तुरंत वही जो ग्रेवी हमने मिक्सी जार में बनाकर तैयार करी थी, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाली, वो हमने इसके साथ मिक्स कर दिया है और सारे मसाले इसके साथ अच्छे से मिक्स करके इन्हें अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शुगर डाली है और ये डालना आप भी मत भूलना, क्योंकि इसके बाद आपकी जो ग्रेवी में फ्लेवर आएगा वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा, हल्का सा मीठापन। और यहाँ पर मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। ग्रेवी को अच्छे से, बहुत अच्छे से भून लिया है और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने पनीर की जो स्टफिंग थी वो बचा ली थी, वो भी मैंने ग्रेवी के साथ मिक्स कर दी है। इससे भी आपके कोफ्ते की ग्रेवी में बहुत अच्छी सी जान आएगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम, आप चाहो तो घर की बनी मलाई भी ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है। तो इस तरीके से शाम सवेरा कोफ्ता करी बनकर तैयार है। कोफ्ते हम गर्मा गर्म ही सर्व। मेरी मम्मी ने ऐसे खाना बना लिया है, थोड़ा सा टाइम हो चुका है, हम लोग को खा लेना चाहिए क्योंकि भूख लग रही है। और मैं अभी बाथरूम से जब आई थी ना तो मैं फ्रेशनर खोल रही थी और पता है क्या, वो उसका जो छोटा सा पीस होता है ना, वो वाला फ्रेशनर नहीं, मैं वो कैसे समझाऊँ, जिसमें वो होता है ब्लॉक होता है, कुछ ब्लॉक, हाँ ब्लॉक होता है, तो वही मेरे आँख में लग गया था, जो छोटा सा पीस होता है, तो काफ़ी इचिंग हो रही थी। मैंने काफ़ी देर पानी से धोया तो ठीक हो गया फाइनली, लेकिन मम्मी चलो खा लेते, भूख लग गई मुझे बहुत तेज। आज पता है मैंने सर में ऑयल लगाया था ना, तो वे मुझे छोड़ना ज़रूरी था, कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो छोड़ना ही चाहिए। तो मैंने घर के सारे काम ख़त्म करे, बीच में मैंने अपना खाना भी तैयार कर लिया। शाम सवेरा मैंने बनाई है सब्जी, उसे पालक के कोफ्ते भी बोल सकते हो आपको, उसका नाम शाम सवेरा है। हाँ, पालक के कोफ्ते विद पनीर स्टफ उसमें होता है, तो टेस्टी लग रहा है सुनने में, तो वो बनाया है मैंने लंच के लिए। तो बस अब सोच रही हूँ कि भूख भी बहुत तेज लगाई है, काम वाम करते समय ना हम बहुत लेट हो गए आज, खाना हमारा काफी लेट चल रहा है, लेकिन कर लेते हैं, भूख बहुत तेज लगाई है। तो चलिए सबसे पहले लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। करी आपकी होनी चाहिए बहुत अच्छे से गर्म और आपको ज़्यादा गहरी वाली प्लेट नहीं लेनी है इसके लिए, वरना कोफ्ते उसमें डूब जाएंगे। तो इस तरीके से बस हल्की सी ग्रेवी की एक लेयर लगा लीजिए और इन कटे हुए कोफ्तों को उनमें अच्छे से सजा दीजिए। ऊपर से हल्की सी मैंने क्रीम डाल दी है। इस तरीके से मेहमानों के सामने सर्व करिए, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। बहुत दिन बाद किचन में मैंने इतनी लाजवाब रेसिपी बनाई है, तो मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। और इसे गरम गरम रोटियों के साथ खाते हैं। मफिन ने तो टाइम पे लंच कर लिया था, हमारा ही लंच लेट हुआ है। इसका लंच हमेशा टाइम पे होता है, मफिन का। बहुत टेस्ट है, क्रीमी बहुत है ना। हाँ अच्छा लगा ना तुझे? टेस्टी है। इस बहाने बच्चे पालक भी खा लेंगे। मैं तो खाई लेती हूँ, मुझे पसंद है। तो ये देखिए मफिन की फेवरेट जगह सोने के लिए, बिल्कुल टेबल के नीचे ऐसे घुस के, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता, हमें लगता है उल्टा। छोटी छिपकली हो तुम, अब उठ जाओ, सर में लग जाएगी, आराम से आराम से आराम से। और दोस्तों यहाँ पर बज रहे हैं 7:15, प्रशांत भी घर आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए गर्म गर्म चाय बना दी जाए। और जो रेसिपी मैंने दोपहर में बनाई थी मैंने उनके लिए भी रख दी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा लेट करा लंच आज का। और चाय यहाँ बन चुकी है, फटाफट से सर्व करते हैं। तो मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें दिखा रहे थे कि कौन से डॉग्स खुश होते हैं। हाँ बताओ, व्हाट आर द साइंस दैट अ डॉग इज हैप्पी, बताओ कौन कौन से। इसमें एक था कि वो उल्टा लेटे और अपनी बैली रब कराएं, अपनी बैली रब कराएं या बैली शो करें कि ये देखो मेरी बैली। एक तो मैंने भी नोटिस किया है गाइस, और वो मैंने अक्सर देखा है इसमें, जैसे कि इसका फेवरेट कुछ मैं दे दूँ खाने को, उसके बाद इसको पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे आज इसे ना मैंने 2-3 दिन के बाद राइस दिए थे, 2 दिन से मैं इसको रोटी दे रही थी, तो पता है क्या हुआ, आज राइस खाने के बाद ये वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ ऐसे दौड़ लगा रहा था। एक्साइटेड जब हो जाते हैं डॉग्स और हैप्पी जब होते हैं तो भागते हैं बहुत तेज तेज यहाँ से वहाँ, और खेलते कूदते हैं, जंप करते हैं। कहने को तो मैं रोज राइस दे सकती हूँ उसको, लेकिन ये भी ना ऐसा होता है कि जो चीज़ आप रोज खाते हो उसमें ना फिर आपका मन हट जाता है, तो 2-3 दिन बाद जब दिए तो इतना खुश हो गया पूछो मत। क्या पास आके प्यार करवाते हैं जो ये करता है, बहुत बार आता अपना हाथ रखते हैं ऐसा, ये तो ये भी करता है। और फिर
और क्या करते हैं, हाँ, और 14 से 16 घंटे सोते हैं। अच्छा, जो ये काफी सोता है। और पता है खेलता जब है, जब देखो जब ये खेल रहा होता है, बिल्कुल खेलने के मूड में होता है, उस टाइम तो आप इसे मतलब रोक नहीं सकते। और खासतौर से जब रुद्रांश आता है, इसकी और रुद्रांश की जोड़ी ना बेस्ट जोड़ी है। मतलब वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते भागते चूहे बिल्ली की तरह से पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। भाई दूज वाले दिन आया था ना जब रुद्रांश, तो ये और रुद्रांश बहुत देर तक खेले थे। सोच रहे हैं विंटर के कपड़े निकाल लेते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कशिश कि विंटर के कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ठंडा हो गया है, बाहर जाते हैं थोड़ी सी ठंड लगती है। और अभी तो बहुत कुछ है एक्साइटिंग। तो वैसे तो घर में एक ही तरह के बिस्किट होते हैं, दो तरह के मैक्सिमम, क्योंकि बचते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि दिवाली का टाइम है तो 2-3 तरह के बिस्किट, नमकीन, वैरायटी है भाई साहब, वैरायटी है। दिवाली का टाइम था तो वैरायटी तो होनी चाहिए। इतने सारे मिठाई के डिब्बे भी हैं फ्रीज में जो रखे हुए हैं। मैं और प्रशांत बहुत कम मिठाई खाते हैं, कशिश खाती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना भी उसे भी शौक नहीं है। तो मिठाई के डिब्बे तो बहुत सारे अभी भी बचे हुए हैं। तो चलिए शाम की चाय पी जाए, सर भी थोड़ा सा दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा एडिटिंग पे बैठ गई थी। दिवाली के बाद कशिश की मिठाई वैसे मैंने नोटिस किया, ये हम लोग पता है जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया जब हम एक दूसरे को ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे करते हैं, हम मजाक में करके देखते हैं इसके साथ, तो पता है ये एकदम से दौड़ा हुआ आता है और दूसरे का हाथ पकड़ लेता है। या फिर पता है हाथ नहीं पकड़ता तो क्या करता है, जिसको हम पीट रहे होते हैं उसके संग पता है क्या करता है, उसको ऐसे हक करके बैठ जाएगा। अभी फिलहाल काट रहा है।